हेलो स्टूडेंट्स, टुडे लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन। चैप्टर नेम इज मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे वर्ड से ही हमें मीनिंगफुल मतलब मीनिंग पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है। मल्टी मीन्स वन से ज़्यादा, वन से ज़्यादा। जब हम वन से ज़्यादा वैल्यू की कॉस्ट या कुछ भी निकालते हैं उसकी वैल्यू, तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, वन से मोर कौन सा हुआ, टू। यानी हम वन से मोर वाली वैल्यूज के लिए अगर हमें वैल्यूज निकालनी है, सो वी कैन यूज मल्टीप्लाई। इफ वन पेंसिल कॉस्ट इज 5 रुपीज, कितनी है वन पेंसिल की कॉस्ट, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल। हमें कितनी पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, 10 पेंसिल्स की कॉस्ट निकालनी है। तो हमारी 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी, 5 रुपीज, और 10 पेंसिल्स की क्या करेंगे, टेबल स्पीक करेंगे 5 की, हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स आर, देन द आंसर इज 50 रुपीज। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई में हम यही करते, टेबल्स को स्पीक करके हम वैल्यूज को फाइंड करते। ओके, द नेक्स्ट इज वार्म अप। लुक एट द डाइस। ये क्या है, डाइस है। इस डाइस की हर एक ईच रो में सेम नंबर्स दिए हुए, 1 1 1 1 1 1। अब आपको बता रहे टोटल कितने पॉइंट्स है, कितने डॉट्स है। देखो 1 डाइस में कितना डॉट है, तो 1 2 3 4 5 6। 6 डाइस में कितने होंगे, 6 1 4, हाउ मेनी डॉट्स। ओके, देन द नेक्स्ट डाइस इज 1 डाइस में कितने डॉट्स है, अब हाउ मेनी डाइस, 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी डाइस, 6 डाइस। 1 डाइस में कितने डॉट्स है, 2, तो 6 डाइस में कितने होंगे, 2 6 are 12, हाउ मेनी डॉट्स। एंड द नेक्स्ट इज 1 डाइस में कितने डॉट्स है, 3, और हाउ मेनी डाइस, 5 डाइस, हाउ मेनी डाइस, 1 डाइस में 3 डॉट्स है, तो 5 डाइस में कितने डॉट्स होंगे, 3 5 are 50. यस, द नेक्स्ट इज 1 डाइस में कितने डॉट्स है, 4, हाउ मेनी डाइस, 5, हाउ मेनी डाइस, 1 डाइस में 4 डॉट्स, तो 5 डाइस में 5 4 are 20. एंड द नेक्स्ट इज 1 डाइस में कितने डॉट्स है, एंड हाउ मेनी डाइस, 6, देन द 5 6 are 30, देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज 6। यहाँ पे कौन से क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन है। ओके, इसमें सेम हम क्या करते हैं, हमें जो क्वेश्चन था मैंने स्पीक किया था ना पेंसिल वाला, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके हमारे आंसर्स हम फाइंड करते। ओके, देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 7 बॉल्स इन अ बैग। 1 बैग में कितनी बॉल्स है, 1 बैग में कितनी बॉल्स है, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन 11 such bags। 11 बैग्स में कितनी होगी, तो 11 7s are 70. ओके, तो यहाँ पे हमने देखो क्या राइट किया, फर्स्ट लाइन इज नंबर ऑफ बैग्स, कितने बैग्स है, 11 बैग्स है, और 1 बैग में कितनी बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग, कितनी बैग बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल्स में ईच बैग में कितनी बॉल्स है, 7, कितनी बैग बॉल्स है, तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन 11 बैग्स। 1 बैग में 7 है, तो 11 बैग्स में कितनी होगी, 11 7s are 70। देखो 11 7s are किया है ना हमने, 7 1s are 7 1s are, हमारा आंसर क्या आया, देन आंसर इज 70। ओके, यस, देन द नेक्स्ट इज
गरिमा हैज 8 पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स। गरिमा के पास कितने पैकेट्स है पेंसिल्स के? 8 पैकेट्स। ईच पैकेट हैज 10 पेंसिल। हर पैकेट में कितनी कितनी पेंसिल्स है? 10 पेंसिल। वन पैकेट में कितनी पेंसिल्स है? 10। अब हमें कितने पेंसिल कितने पैकेट्स की पेंसिल्स फाइंड करनी है? 8 पैकेट्स की। तो 8 टेन जार, तो उसकी लैंग्वेज राइट करें, नंबर ऑफ पैकेट्स। हाउ मेनी पैकेट्स? 8। नंबर ऑफ पेंसिल्स? 10। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच पैकेट? ईच पैकेट में कितनी है? 10। यस एंड नो। एंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 8 पैकेट्स? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई? यस एंड नो। 8 टेन जार 80। ओके, तो यहाँ पे 10। यस एंड नो। और किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 8 से। 0 8 जार 0। 8 1 जार, देन द आंसर इज। ओके, do you understand? Yes and no? Yes. Okay, then the next question is, there are 22 students in a class. How many students in a class? 22. One class mein kitne students hai? 22. How many students are there in 4 such classes? To hume kitni classes ki find karni hai? 4 classes ki. One class mein kitne students hai? 22. 4 क्लासेस के लिए क्या करेंगे? 22 मल्टीप्लाई 4। यस एंड नो? यस। तो देखो, नंबर ऑफ क्लासेस हाउ मेनी क्लासेस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास? 22। ओके, वेरी गुड। How many students in each class is? No. 22. Then the next line is number of students in 4 classes. In? No. Yes and no? Yes. 22 multiply 4? Yes and no? Yes. You have happy carrot karige upar? 22 and the speak the table of 4. 4 ones are? 4. 4 twos are? 8. Then the next is 4 twos are? 8. 88. Then the total student is? 88. Okay. And the next question is? A shirt has 10 buttons. How many buttons will be there in 7 such shirt? One shirt में कितने button हैं? 10? Yes and no? Yes. अब हमें कितनी shirts की button find करनी है? 7 shirts की. तो 7 tens are? 70. 7 tens are? 70. Okay. Number of shirts. How many shirts? 7. Number of buttons in each shirt? 10. How many buttons in each shirt? 10. Okay. So, hume next point kya karna hai? Number of buttons in 7 shirts. Number of buttons in 7
shirts. Yes and no. 10 sevens are 70. Yes, write the 10 and 7. 7 zeros are 0. And 7 ones are 70. Then the answer is 70. Then the answer is 70. And the next question is, next exercise is exercise 7. अब यहाँ पे हम किस टाइप की मल्टीप्लीकेशन टीच करेंगे, सीखेंगे? बोरोइंग यानी रीग्रुपिंग वाले. कौन से वाले? कैरी या फिर रीग्रुपिंग. ओके, देखो, लुक एट दिस. हम रीग्रुपिंग कब करते हैं? जब हमारे पास नंबर किस टाइप का हो? टू डिजिट का. किस टाइप का नंबर हो? ओके, मल्टीप्लाई करने पे किस टाइप का नंबर आए? टू डिजिट का नंबर आए. लुक एट दिस. किसकी टेबल स्पीक करनी है? थ्री की. किसकी टेबल स्पीक करनी है? थ्री की टेबल स्पीक करें. हाउ मेनी टाइम? फोर टाइम्स. थ्री वन आर, थ्री टू आर, थ्री थ्री आर, थ्री फोर आर, ट्वेल्व आया. दिस इज टू डिजिट नंबर, यस एंड नो? यस. लुक एट द बोर्ड. ट्वेल्व है तो टू यहाँ राइट करेंगे एंड वन. वन कैरी राइट की. नेक्स्ट, थ्री की टेबल कितने टाइम स्पीक करनी है? थ्री वन आर, थ्री टू आर, जो सिक्स आया हमारे पास, जो हमने सिक्स आया है ना हमारे पास, उस पर जो कैरी राइट करते ना हम, वो ऐड करते हैं. क्या करते हैं? ऐड करते हैं. क्या आया था क्या स्पीक करने पे? थ्री टू आर सिक्स, और सिक्स प्लस वन, देन द आंसर इज 72. देन द नेक्स्ट इज 15 मल्टीप्लाई 5. फाइव फाइव आर 25. हमने 5 कहाँ राइट किया? यहाँ पे. और 2 कहाँ राइट किया? ऊपर साइड के. अब किसके टेबल स्पीक करनी है 5 की? 1 टाइम. 5 आया. अब जो ये कैरी है इसको ऐड करो 5 में. 5 प्लस 2 7. 5 प्लस 2, देन द आंसर इज 70. Then the next is 17 multiply 4. Okay, 4 की टेबल how many times speak करनी है? 7 times. Speak करिए. 4 ones are 4, 2 are 4, 3 are 4, 4 are 4, 5 are 4, 6 are 4, 7 are. क्या आया 7 times? 8 कहाँ write करेगी? And 2 4 ones are 4 आया. और कैरी कितनी थी हमारी? 4 प्लस 2 4 प्लस 2, देन द आंसर इज 68. एंड द नेक्स्ट इज 14 मल्टीप्लाई 7. 14 मल्टीप्लाई 7 की टाइम कितने टाइम स्पीक करनी है? 4 टाइम. ओके, 7 4 आर 7 4 आर 28. 8 यहाँ राइट किया, 2 यहाँ पे. ओके, 7 वन जार 7 वन जार 7 प्लस 2, ऊपर कैरी है ना 2. 7 प्लस 2 9. 7 प्लस 2 9. देन द आंसर इज 90. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 3 6 are 3 6 are 18. 8 कहाँ राइट करेंगे? एंड 1 3 5 are 3 5 are 15. 15 प्लस 1 16. यस एंड नो? अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नंबर नहीं है ना, तो जो हमारी बोरो जो कैरी है हमारी, वो हम सेम एज राइट कर देते हैं. ओके, 100. एंड द नेक्स्ट इज 6 4 आर 6 4 आर 24. 4 का राइट किया,
नीचे एंड टू सेवन सिक्स आर सिक्स सेवन आर सिक्स वन आर सिक्स टू आर सिक्स थ्री आर सिक्स फोर आर सिक्स फाइव आर सिक्स सिक्स आर सिक्स सेवन आर फोर्टी टू ओके फोर्टी टू प्लस टू फोर्टी फोर या फोर राइट किया और फोर सेम एज नीचे भी राइट होगा ना क्योंकि नीचे कुछ नंबर नहीं है ओके एंड द नेक्स्ट इज फाइव एट आर फाइव एट आर फाइव एट आर फोर्टी यहाँ पे जीरो राइट किया यस एंड नो और फोर दिस साइड ओके फाइव सिक्स आर थर्टी थर्टी फाइव सिक्स आर थर्टी प्लस फोर थर्टी फोर थर्टी प्लस फोर यहाँ पे फोर राइट किया एंड दिस इज थ्री और थ्री सेम इज भी राइट होगा यस एंड नो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स नाइन आर फिफ्टी फोर तो फोर कहाँ राइट कर दिस साइड एंड फाइव ऊपर कैरी लगा दी ठीक है सिक्स टू आर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन ट्वेल्व प्लस फाइव सेवन नीचे राइट किया वन कैरी एंड वन इज सेम राइट किया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन टू आर फोर्टीन ओके सेवन एट आर फिफ्टी फिफ्टी सिक्स सेवन एट आर फिफ्टी सिक्स प्लस वन फिफ्टी सेवन और फाइव सेम इज राइट कर दिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एट टू आर सिक्सटीन एट फाइव आर फोर्टी फोर्टी प्लस वन एंड सेम एज फोर राइट किया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टू एट आर सिक्सटीन वन कैरी टू नाइन आर एटीन एटीन प्लस वन एंड सेम एज वन राइट किया ओके नेक्स्ट सेवन सिक्स आर सेवन सिक्स आर फोर्टी टू टू हमने सेम एज यहाँ राइट किया एंड फोर कैरी ओके फिर नेक्स्ट सेवन सिक्स आर फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस फोर फोर्टी टू प्लस फोर फोर्टी सिक्स सिक्स यहाँ राइट किया एंड फोर कैरी एंड कैरी सेम राइट की ओके देन द हमारे जो रीग्रुपिंग वाले जो मल्टीप्लीकेशन थे वो कंप्लीट हो गए ओके थैंक यू